संग्राह की 3 लाइमस्टोन माइंस पर मनाया गया खनिज एवं पर्यावरण सुरक्षा सप्ताह। IBM द्वारा भेजी गई अलग अलग माइंस अथवा इंडस्ट्रीज के 3 सदस्यों की टीम ने चूना पत्थर खानों का निरीक्षण भी किया। RK चौधरी के नेतृत्व वाली टीम ने कामगारों तथा माइन ऑनर्स को माइंस एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन के प्रति जागरूक भी किया। वालिया लाइमस्टोन माइन संग्रह पर आयोजित जागरूकता शिविर के दौरान खान मजदूरों को दिलाई गई सुरक्षा शपथ। सिविल सब डिविजन संग्राम में करीब 850 बीघा भूमि पर चल रही 5 लाइमस्टोन माइंस की देखरेख के लिए विभाग अथवा सरकार द्वारा 4.5 दशक से नहीं की गई वेट ब्रिज व चेक पोस्ट की व्यवस्था। IBM द्वारा कल तक जम्मू कश्मीर उत्तराखंड व हिमाचल की सभी 28 खदानों पर मनाया जाएगा सुरक्षा सप्ताह। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा गठित अलग अलग खदानों तथा इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों की टीम द्वारा शुक्रवार को खान पर्यावरण एवं खनिज सुरक्षा सप्ताह के तहत सिविल सब डिविजन संग्रह की 3 माइंस का निरीक्षण किया गया। IBM द्वारा गठित टीम के कन्वीनर RK चौधरी व सदस्य कमल बरवाल तथा DK सिन्हा द्वारा वालिया माइंस संग्रह पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मजदूरों को माइंस एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने खनन व्यवसायियों व कामगारों से प्रदूषण नियंत्रण, खनिज संरक्षण व साइंटिफिक ढंग से माइनिंग करने का आग्रह भी किया। संग्रह माइन के इंजीनियर DK सिन्हा ने बताया कि करीब 4.5 दशक पुरानी इस चूना खदान को कहीं पर खनिज एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। संग्रह के भूतमढ़ी व भड़वाना में मौजूद अन्य 2 चूना खदानों पर खान पर्यावरण एवं खनिज सुरक्षा सप्ताह कल शनिवार को मनाया जाएगा और टीम द्वारा इस दौरान माइंस के इंस्पेक्शन के साथ साथ प्लांटेशन भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सिरमौर के सिविल सब डिविजन संग्रह में वर्तमान में करीब 850 बीघा भूमि पर ऑन रिकॉर्ड 5 लाइमस्टोन माइंस चल रही है। पिछले करीब 4.5 दशक से चल रही इन चूना खदानों के निरीक्षण के लिए संबंधित विभागों अथवा सरकार द्वारा अब तक माइनिंग चेक पोस्ट, वेट ब्रिज की व्यवस्था न किए जाने तथा माइनिंग गार्ड की तैनाती तक न किए जाने का मुद्दा कई बार इलाके के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा उठाया जा चुका है। हम सब अपने खान में कार्य करते समय खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण के प्रत्येक नियम एवं अधिनियम का पालन सर्वदा करेंगे। अभी रवि प्रसन्न जी ने बड़ा विस्तृत में बताया, ये हर चीज में हमारा लाइमस्टोन का उपयोग है। आप जो भी चीजें देख रहे हैं, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक में भी है, लोहा है, लोहा में भी है, ये कुर्सी देख रहे हैं प्लास्टिक की बनी हुई, हर चीज में, कोई भी दवाई आप खा रहे हैं जहाँ कैल्शियम शब्द लिखा हुआ है मतलब वो लाइमस्टोन से बनी हुई है। जो आप मकान बना रहे हैं सीमेंट उसमें है, तो हर चीज आप सुबह से शाम तक हर चीज का उपयोग जो है ना, अगर ये पत्थर नहीं होगा, हमें भगवान ने ये बहुत अनमोल चीज दिया हुआ है, ये हर जगह नहीं है, पहाड़ तो चारों तरफ है लेकिन लाइमस्टोन सिर्फ यहीं पर। तो आपको ये जो नियमत भगवान ने दे रखा है इसको संभाल के रखिए। आगे हमारे बीच आए हुए हैं हमारे शिष्य से कुमार राम चौधरी जी, मैं इनका भी 2 शब्द हमारे श्रमिक भाई को श्री कुमार राम चौधरी जोरदार तालियां। इनका अनुभव हम लोग ने